यूपी में पांचवें चरण के बाद अब बारी पूर्वांचल की है। पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर है, तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। यूपी की राजनीति में कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसने यूपी जीत लिया, क्योंकि पूर्वांचल जिसके साथ जाता है उसके पक्ष में जबरदस्त लहर दिखाई देती है। इसीलिए सभी की नजरें पूर्वांचल की सीटों पर है जहाँ चुनाव प्रचार का शोर तेज हो गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह बदल चुका है। यूपी का चुनाव पश्चिमी यूपी और अवध से होता हुआ पूर्वांचल की दहलीज तक पहुंच चुका है। पूर्वांचल में जिसकी जीत होगी सत्ता उसके हाथ में होगी, इसलिए तमाम राजनीतिक दल पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए थे। पूर्वांचल में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में है। योगी के गढ़ से अखिलेश यादव ने जोरदार हुंकार भरते हुए योगी को अपने घर नहीं बल्कि जेल भेजने की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्ज मामलों को दोबारा से खोला जाए तो योगी आदित्यनाथ की जगह हवालात में होगी, ना कि किसी मठ में। बीजेपी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। मोदी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय कहा था कि नोटबंदी से लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, लेकिन नोटबंदी से क्या फायदा हुआ आज तक ये सरकार बता नहीं पाई। तो जहां ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जनता को लूटा है, तो वहीं पीएम मोदी ने अखिलेश पर कबीरदास के दोहे से तंज कसा है। मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों का एक ही मंत्र है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों में। ये उत्तर प्रदेश और देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। कबीर ने परिवार वालों के लिए कहा था कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और गरीब की इसी हाय ने 2014 में इन्हें झटक दिया, 2017 में पटक दिया और 2019 में साफ कर दिया, और अब 2022 में तो इन्हें अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए हैं। पीएम मोदी ने तो 2017 की तरह ही इस बार फिर अखिलेश यादव को हराने का दावा किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सपा और बसपा का सूपड़ा साफ करने की बात कह रहे हैं। अमित शाह ने आज बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि चार चरणों में चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पूरा पूर्वांचल मच्छर और माफिया से मुसीबत में था। सपा और बसपा ने 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले अपराधियों के मामलों को वापस ले लिया है। वो सत्ता में आने पर माफियाओं के साथ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को मच्छरों से छुटकारा दिलाया और योगी जी ने उन्हें माफिया से छुटकारा दिलाया। टीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।